कहाँ गए तेज प्रताप, आ गए बाबा बागेश्वर। 20 दिनों की तैयारी के बाद भी तेज सेना हुई गायब। 10 दिनों से बाबा के आदमी तेज से माफी मांग रहे थे। 3 दिन पहले तक तेज ने कही बड़ी बड़ी बात। अब ठाके मारकर धीरेन्द्र शास्त्री ने लिया बिहार में एंट्री। मनोज तिवारी ने चलाई बाबा की गाड़ी, गिरिराज सिंह भी रहे मौजूद। बाबा आए तो बिहारी गदगद हुए, फिर शास्त्री ने कहा हम हिंदू हिंदू करते हैं, अब बिहार में बहार आएगी। आ गए हैं धीरेन्द्र शास्त्री, मगर तेज प्रताप के सेना की दर्शन नहीं हुई। दर्शन हुई तो बागेश्वर बाबा के मुस्कान की, जिस पर आधी जनता फिदा है। बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुलकर ठहाके मारते हैं। जब आज वो हंसे तो जाने क्यों लगा तेज प्रताप को कह रहे हूँ लो आ गया मैं। बीते 20 दिनों से बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं घुसने दिया जाएगा, ऐसा कह कहकर तेज प्रताप ने भले खूब महफिल लूट ली हो, लेकिन वही वाली बात हो गई। जब दिवाली आई तभी पटाखा फुस हो गया। खैर तेज प्रताप जी नहीं आए तो बिहार की जनता और हिंदू धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा ही कहेंगे, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा मैंने कब कहा हिंदू मुस्लिम, मैं तो हिंदू हिंदू करता हूँ। आज की तारीख का जितना इंतजार बिहार की जनता को था, ठीक उतना इंतजार तेज प्रताप यादव को भी था। लेकिन ऐन मौके पर तेज धीरेन्द्र शास्त्री को रोकते हुए दिखे नहीं, जिसके बाद बिहार की जनता बोली मंत्री साहब आपने सेना तैयार की, फिर आए क्यों नहीं, क्या आपको भी अब बाबा सच्चे और अच्छे लगने लगे। अभी 2 दिन पहले तक तेज प्रताप यादव कह रहे थे कि बागेश्वर बाबा रोज माफी मांगने के लिए अपना आदमी भेज रहा है, 10 दिन से भेज रहा है, वो तो डरपोक है, देशद्रोही है, देश तोड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम को लड़वा रहा है, देश का जो माहौल बना रहे हैं ये बाबा लोग, आप लोग देख रहे हैं कि देश को तोड़ने के लिए ये लोग आए हैं, जोड़ने के लिए नहीं आए हैं। इससे पहले भी तेज प्रताप यादव ने खुलकर बाबा को रोकने की बात कही थी, लेकिन आज जब तेज की सेना मौके से नदारत रही तो जनता पूछने लगी क्या आपको हिंदू वोटर कटने का डर सताने लगा। इधर हंसते खिलखिलाते बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री पटना एयरपोर्ट पहुंचे। सुरक्षा का चाक चौबंद इंतजाम किया गया था। खुद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद मनोज तिवारी बाबा बागेश्वर को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे थे। यहां तक कि जिस गाड़ी में बाबा बागेश्वर को पनास होटल तक पहुंचना था उसे सांसद मनोज तिवारी ने ड्राइव किया, जिस गाड़ी में गिरिराज सिंह भी मौजूद थे। जिस दौरान शास्त्री खिलखिलाकर हंसते रहे, वो कभी हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन करते दिखे तो कभी हाथ पटक कर अपने अंदाज में हंसते खिलखिलाते दिखे। बाबा को ऐसे देखकर बिहार की जनता फूले नहीं समा रही थी, मगर हैरानी इस बात की थी पिछले 2 सप्ताह से अपनी संस्था DSS यानी धर्म निरपेक्ष स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे थे तेज प्रताप न खुद दिखे न उनकी टीम के सदस्य। अब बाबा बागेश्वर शाम 4 बजे से बिना किसी राजनीतिक चिंता के अपनी दरबार लगाएंगे। तभी धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कह दिया है मैं राजनेता नहीं हूँ, मैं सनातन प्रेमी हूँ, हिंदू हिंदू करता हूँ। शास्त्री ने कहा हम हिंदू हिंदू करने वाले लोग हैं साहब, हम हनुमंत कथा करते हैं, हनुमंत कथा सनातन धर्म की बात कहती है और हम उसी की ही बात करते हैं। बता दें बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना के नौबतपुर में आज यानी 13 मई से लेकर 17 मई तक हनुमंत चर्चा करेंगे और अपना दरबार लगाएंगे।